शक्ति, इस केस को लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई वकील है? अगर नहीं है तो मैं एक सरकारी वकील अपॉइंट करूं। क्या मैं बैठ सकता हूं? यस। पानी मिल सकता है? पानी पिलाओ। थोड़ा और मिलेगा क्या? केस की कार्रवाई शुरू की जाए। शक्ति, 20 सेकेंड ईयर, कंप्यूटर साइंस। कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर में प्रेजेंट 100%। बिहेवियर भी अच्छा है। कॉलेज से भी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिली है। काफी स्टूडेंट्स की तुमने आर्थिक मदद भी की है। कॉलेज के गरीब स्टूडेंट की फीस भी भरी है और किताबें भी दिलवाई है। काफी अच्छे इंसान हो तुम। इतनी सारी खूबियों के बाद भी तुमने अपनी जिंदगी क्यों तबाह की? शक्ति, जब तक तुम खुलकर नहीं बताओगे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सच बताओ, क्या हुआ? मैंने मार दिया। चारू को मैंने मारा था। उसको मैंने मार दिया। चारू को मारा। चारू को मैंने मारा। कॉलेज, सपनों की दुनिया, स्कूल यूनिफॉर्म से कूल कपड़ों तक का सफर, माता पिता के कंट्रोल से दूर, बच्चों का सुनहरा भविष्य यहां पर लिखा जाता है। श्रुति, हे श्रुति, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा है। लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए पहना है क्या ये ड्रेस? अरे ऐसा नहीं है यार, लड़कों को हमेशा ना इंतजार करवाना चाहिए। रोज कम से कम एक लड़का तुम्हें देखकर पागल हो जाए। ये लड़के यहीं बैठे रहते हैं क्या? क्लास में नहीं जाते क्या? इतने आवारा हैं कि इनके माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते। ये सब तो ऐसे माँ बाप के पैसे बर्बाद करते हैं। इनके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि ये घर से बाहर। दिमाग नाम की भी चीज नहीं है इनके पास। देख रहा यार, हमारी तरफ ये देख भी नहीं रही हैं। अरे देखेंगी। कब देखेंगी? अरे देखेंगी। सब लोग अपना मुंह इधर कर लो। देख रही है ना? हेलो, अरे कुछ पल रुके, हमको देख भी लो, लड़का उदास है। हेलो हेलो, अरे हम में से कोई नहीं सताएगा तुमको। देख लिया ना, ये होती है लड़कियां। हम लड़के उन्हें भले ही देख लें, लेकिन वो पलट कर नहीं देखेंगी। फिर बाद में चुपके से ऐसे देखेंगी कि किसी को पता ना चले कि वो देख रही हैं। हे शक्ति, जय हो बाबा की। हाँ, ये लेना। जय हो गुरु जी की। स्वीटी, ओहो क्या बात है। शक्ति, शक्ति तू अभी तक सो रहा है? क्या डैड? बढ़िया रूम है, कमरा शानदार बना रखा है। ये रोमांटिक फोटो कहाँ से मिली बताया नहीं तूने?
अरे बताना, मुझे अपना दोस्त समझ। बेटा एक सिगरेट देना, तेरी माँ को पता नहीं चले। क्या ना, वो चिल्लाती बहुत है, ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, लंग्स खराब हो जाते हैं, आदमी बूढ़ा दिखने लगता है, और भी बीमारियां जैसे कि कैंसर भी हो सकता है। ये सब कुछ छोड़ के अपनी लाइफ को एंजॉय करो। वैसे भी मेरे दिन तो बहुत कम बचे हैं, एक सिगरेट पीने से तो कुछ होने वाला नहीं है। ओ, तो आपको सिगरेट चाहिए? हाँ, दे देगा अगर तो। तो आपका हुआ 240 प्लस 140 और 20। हाँ ठीक है, निकालो, 400 रुपए निकालो। हैं, 3 रुपए की एक सिगरेट आती है और 30 रुपए का एक पैकेट, तो 400 किस बात का? तो जाओ जाके खुद ही खरीद लो। हैं, नाराज क्यों होता है? पैसों के बिना कोई काम नहीं होता आजकल। हाँ बेटा, बाप को लूटे गए ले, 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 100, 200, 300, 400 बराबर है। ए, ज्यादा तो वापस दे। माँ को बताओ आप सिगरेट पीते हो? हैं? क्या सिगरेट यहाँ छुपा के रखता है? मुझे तो पता नहीं था। आपको सिगरेट चाहिए या नहीं? ए, मुझे तो। क्या देख रहे हो? अरे क्या है बेटा, ये घर को मैंने इतनी मेहनत से बनाया है और मुझे नहीं पता कि सिगरेट को यहाँ कहाँ छुपा सकते हैं। तो उसके लिए तो दिमाग होना चाहिए ना। हाँ, ज्यादा चालाक बनता है। चल मेरे पैसे वापस दे। हा? क्यों, एक सिगरेट क्या दे दी और बाप से धंधा करने लग गया? हाँ तो एक काम करो, पहले सिगरेट वापस करो। अबे जाने दे, वैसे 240, 30, 120 का हिसाब नहीं दिया तूने अभी तक। देखिए डैड, सप्तम थिएटर में एक टिकट के हो गए 80 रुपए, तो हम लोग पूरे 3 लोग जाएंगे, तो तीनों के हो गए 240। उसके बाद इंटरवल में चाय नाश्ते के 40 रुपए पकड़ लीजिए। और बाकी का 120? अरे वो तो रात को, वो हमें आपको नहीं बता सकते। बियर पी ली होगी, और लड़के करते भी क्या है। 8:30 बज गए, अभी तक उठा नहीं, फिर जल्दबाजी में उठेगा और आधा तैयार होकर जाएगा। सुनिए, शक्ति उठा या नहीं? मुझे नहीं पता। आप उसके कमरे में गए थे ना? अरे मैं उसके कमरे में क्यों जाऊंगा? देखिए, मैं उसके रूम में नहीं जा सकती, उसके बाथरूम में ना सिगरेट की बदबू आती है, मुझे लगता है वो सिगरेट पीने लगा है, आपको नहीं लगता है क्या? देखो अभी वो सिर्फ बाथरूम में छुप कर पीता है। हाँ। अगर डांटूंगा तो पूरे घर में पिएगा, अब बताओ क्या करूँ? अरे वो बाथरूम में घंटों लगाता है। देखो बढ़ती उम्र के साथ ये सब कुछ। कहा गई है?
क्या इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है भाई? मैं चेक कर रहा था। चेक कर रहा है क्या? अभी तो रिपेयर करवाया था मैंने। मिस्टर परमानंद, आ रहा हूँ। परमानंद, आपके घर पे कोई लड़की आई है क्या? हाँ आई है। लड़की आई है वहाँ, क्या नाम है? प्रीति। प्रीति नाम है, अभी रुकने वाली है? हाँ रुकेगी, कॉलेज की पूरी पढ़ाई करके यहाँ से जाएगी। अब तो यहीं रुकेगी और पढ़ाई भी करेगी। थैंक्स। नो मेंशन। देखा बेटा, मैंने सारी जानकारी निकाल ली, और कुछ चाहिए? ए? हाँ, एक दिन नहीं वो लड़की को आगे और लग गए उसके पीछे। जवानी में ऐसा ही होता है। से संभल के जाना। शक्ति, कल भी लिफ्ट दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। कितने बजे मिलोगे? सेम टाइम पर आ जाऊंगा। टाइम पर आ जाना। हाँ जरूर। बाय। हाँ क्या करना है? नून शो, बीच या कॉफी डे? अरे बोलो यार। ए, तू ऐसा कैसे कर सकता है? क्या किया? तूने दोस्ती में धोखा दिया है। मैंने धोखा दिया तुझे? मेरी बंदी को तू क्यों घुमा रहा है? क्या बोलो, तेरी बंदी? तीनों में से तेरी बंदी कौन सी है? जिसने तुझे किस किया पता है, वो मेरी बंदी है। अच्छा ऐसा? क्या लव करता है? हाँ ये देख, लव लेटर्स। क्या करूं? ये पढ़, एक और ले। ये देख एक और, यहाँ पर एक और है। ये भी लव लेटर है यार। ये सारे लेटर उसने तुझे लिखे हैं? अरे उसने नहीं लिखे यार। तो फिर ये सब मैंने लिखे हैं उसे। तू भी ना यार। तो फिर उसको दिए क्यों नहीं? मैं दू या ना दू, पर प्यार तो प्यार है ना यार। अच्छा अच्छा ठीक है, पकड़ इसको। सॉरी यार। ये क्या है रे? ये लव लेटर है। किसने दिया तुझे? अरे उसने जिसने किस किया। हाँ, ऐसा क्या? इतना लेट कहाँ से आ रही हो? दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई थी। हमें बता कि क्यों नहीं गई तुम? इसमें बताने वाली क्या बात है? डैड अभी जाग रहे हैं, तुम्हारा खाना लगा दूं? नहीं, मैं दोस्तों के साथ खाकर आई हूँ, सोने जा रही। श्रुति। डैड। वन मिनट। तुम्हें पता है कि क्या टाइम हो रहा है? आपके पास घड़ी नहीं है क्या? ए, अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है? ए, इतनी देर तक बाहर रहोगी तो पुलिस किसी भी केस में अंदर कर देगी। वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, उस समय सारी जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर चाहे तुम अधिकारी की बेटी हो या किसी वीआईपी की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डैड, मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने और खाना खाने गई थी। बस करो, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, सब टीनेजर्स हैं, वो सब समझदार हैं। डैड, पहले आप अपनी बेटी से बात करने की तमीज सीखिए, आपको समझाना बेकार है। जनरेशन गैप। लिसन डैड, मुझे आपसे बेहतर नॉलेज है। आपके डैड ने आपको स्मोक करने से मना किया, लेकिन आप तो आज तक पी रहे हैं। रात में शराब पीते हैं और मम्मी की एक भी बात नहीं सुनते हैं। हाँ, जब देखो मुझे समझाते रहते हैं। श्रुति, श्रुति, तुम मुझसे बेहतर जानती हो, लेकिन तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। गुड नाइट। ओ, ओ, ओ,
कान में पहने तो बाली कहते हैं, नाक में पहनो तो नथ कहते हैं, गले में पहने तो नेकलेस कहते हैं, और पाँव में पहने तो पायल कहते हैं। लेकिन इसने वो क्या पहना है? मुझे नहीं पता, पर उस जगह पहने तो फैशन कहते हैं। ओहो, लगता है इस बार पास हो जाएगा तू। सच में काफी अच्छी पढ़ाई की है। दोस्त, बोरिंग निकाल के दिखाएगा? नहीं निकाल पाएगा ये। कितनी बोतल बियर पिलाएगा? अबे बियर से नहला दूंगा तुझे। फिर शर्त पक्की, बाइक स्टार्ट कर, उसके पास चल। कमाल कर दिया इसने। ये रही रिंग दोस्तों, मैंने जो कहा करके दिखा दिया, शर्त जीत के दिखा दी मैंने, है ना बड़ी। थैंक यू मैडम, आई एम डन। यू प्रसाद, ए रुक जा, क्यों बे? लड़की से मार खाते हुए शर्म नहीं आती? क्यों बे, क्यों मारा इसने तुझे वैसे? क्या हुआ, क्या बात है? बदतमीजी करता है, मैनर्स नहीं है क्या इसे? गधा कहीं का। हाँ तो क्या, अरे बोलो ना। अच्छा इधर देखो, थू, तुम भी गुस्सा थूक दो ना, और इन दोनों को छोड़ दो। वो क्या है ना, अब तुम गुस्से में प्रिंसिपल को कंप्लेन करोगी, या फिर हो सकता है कि तुम अपने पापा को बताओगी, फिर वो यहाँ पर पुलिस लेके आएंगे, बात आगे बढ़ जाएगी ना। वैसे देखा जाए तो गलती तुम्हारी भी है, तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं। ऐसे कॉलेज में आओगी तो कुछ भी हो सकता है। क्या करेगा, क्या कर लेगा? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं जो कुछ करता हूँ वो बताता थोड़ी हूँ। अब देखो, ये जो हम लड़के हैं, ये सबके सब बेशरम है, हम कैसे भी कपड़े पहनकर आए चलेगा, हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुम जैसी लड़कियाँ जो होती है ना, वो इस तरह के कपड़े पहनकर अंग प्रदर्शन करेंगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी है। शक्ति, कितनों ने तो सुसाइड कर लिया। देखो, तुम्हें जैसी मर्जी वैसे कपड़े पहनने की छूट है, ऊपर से ये मेकअप वेकअप भी करो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन हम लड़के सुधरने वाले नहीं है। अब मैं समझी, सबसे पहले तुम्हें मारना चाहिए था। हाँ, क्यों? तू कह तो सिस्टर को ये रिंग वापस कर दो। रुक जा यार, चलो कम ऑन, स्लैप मी। तुमने इन सबके सामने इसे थप्पड़ मारा तो आज रात मैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे बाथरूम में, और फिर नहीं नहीं उसके आगे नहीं, चलो छोड़ो, इन सब जगह पर आऊंगा और तुम्हें छूकर चला जाऊंगा। ठीक है, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। अगर उसके घर वालों को पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तब मुझे लगा नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और मैं सीधे अंदर चला गया। देवी, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाना, समझ गई? कॉलेज में शक्ति ने चैलेंज किया था। हाँ यार, किया लगता था। है कुछ ना कुछ शक्ति करेगा। हाँ यार, वो तो करेगा। तुम लोग क्या कर रही हो? एज यूजुअल कंबाइन स्टडीज, हम लोग यही रुकेंगे, देखते हैं शक्ति कैसे आएगा। डरो मत, हम लोग हैं। मैं क्यों डरने लगी उससे? चल ना, बियर पार्टी करते हैं। ओ गॉड, बियर, बियर निकालना जल्दी, पार्टी करते हैं वरना गर्म हो जाएगा बियर। हाँ निकाल रही हूँ ना, इतना उतावली। हाँ निकाल, जल्दी करना, उसके डैडी आ जाएंगे। डैड के आने से पहले सब कुछ साफ कर देना। I'm a boss. I'm a boss. I'm a bitch and I boss and I shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss.
चुपचाप मुंह बंद कर सब कॉल क्या होगा हाँ हाँ चल जल्दी चल बाय 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 गुड नाइट श्रुति के बेडरूम में चला गया। वो वहां पर सो रही थी। मैं उसके कमरे में आ गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके सपनों में खो गया। ये बाथरूम है या कोई पैलेस है? ओह गॉड, एक लड़की के लिए इतना सब कुछ? ये तो पूरे गर्ल्स हॉस्टल के लिए काफी है। इतना महंगा शैम्पू, साबुन, क्रीम, बॉडी स्प्रे, ये सब लगाकर तो कौवा भी सुंदर लगेगा। और मैं तो नेचुरली हैंडसम हूँ। नेचर का कॉल आ गया, जरा हल्का होके आता हूँ। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? देवी नहीं, मेरा नंबर कब आएगा? मुझे भी बहुत जोर की लगी है। टेबल पे कॉफी रख दी है मैडम। ओके। ब्रश इतना गीला क्यों है? तुमने किया क्या? इट्स ओके। अरे आ गई। देवी, ए देवी, आती हूँ। ये क्या है? कॉफी पी लिया आपने मैडम? झूठ मत बोल, कप तो खाली है। ठीक है, दूसरी लेकर आती हूँ। रहने दे, नाश्ता लगा दे। नाश्ता
वाह कॉलेज से आके तुझे बताती हूँ। अब मैंने क्या किया? अगर चिल्लाओगी तो गोली मार दूंगा, मेरे पास गन है। गन कहाँ है? अब वो अंदर है। आओ ना डांस करते हैं। तरारारा, तरारारारा। ए, तुमने मुझे अंदर क्यों बुलाया? मैंने? कल रात तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला ना? मैंने खोला? मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूँ। अरे बाप रे, पूरी दुनिया को बता दूंगा। अगर तुमने मुंह खोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम यहाँ से बाहर चलो, जाओ निकलो यहाँ से चलो। और सुनो, मैं कल फिर से आऊंगा। किस लिए? अरे मेरी मर्जी, चलो जाओ अभी। ये यहाँ पे क्यों आया? है अच्छी बच्ची है, चल खिसक ले बेटा। श्रुति, कल रात शक्ति तेरे घर आया था क्या? नहीं आया था यार। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू माफी मांग ले। हेलो शक्ति, मैं श्रुति बोल रही हूँ। आई एम सॉरी यार। व्हाई डू यू से सॉरी? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मारा था ना? अरे छोड़ो ना, उसका तो बदला मैंने तुमसे ले भी लिया। कल रात मैं तुम्हारे घर पे आया। किस लिए? वो मैंने लड़कों से चैलेंज किया था, तो कल रात मैंने तुम्हें नाचते हुए देखा, बियर पीते हुए देखा। पर मैंने तो नहीं देखा तुम्हें। अरे चलो छोड़ो ना वो सब बात, अभी जाने दो। आज से हम लोग फ्रेंड्स। ओके ऑटो वाले भैया, आप मुझे भाड़ा बताइए, ज्यादा मत बताना। चेक कर रही मैडम, आप हमारी पहली पैसेंजर हैं। 30 रुपए दे देना। आपकी माँ रोज मेरे ऑटो से जाती है, कभी मीटर नहीं देखती। आप 30 रुपए दे दीजिए। क्या 30 रुपए? लेकिन मीटर में तो 25 रुपए 50 पैसे बता रहा है। मैं उतना ही दूंगी जितना मीटर में दिखा रहा है। लेना है तो ले लीजिए। ज्यादा बहस की ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मीटर में जितना है उतना ही लेना चाहिए। पैसेंजर से फालतू बहस नहीं करनी चाहिए। डू यू नो वन थिंग, मेरे दादाजी कलेक्टर है क्या? रिटायर्ड रेलवे गार्ड है, समझे? गाड़ी है, कलेक्टर थोड़ी है। अरे जाइए। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मैं काफी स्मार्ट हूँ। बहुत तेज बन रही है शक्ति, इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। आ सकते। मेरा क्लासरूम कहाँ है ये पूछ लेती हूँ। इतने पास क्यों आ रहा है? ए शक्ति, जाने दे इसे, बिल्कुल काम वाली लग रही है ये। और नहीं तो क्या? अरे टच क्यों कर रहा है? मेरी माँ ने ये जबरदस्ती पहनाया है, मुझे पसंद नहीं है ये। अरे ये शक्ति क्या कर रहा है? पता नहीं। अरे ये क्या डब्बा खोल दिया? अरे ये कौन खाएगा यार दही चावल? वापस करना उसे। वापस दे, वापस दे। My name is Charu. Charumati Vishwanath. First year BE Computer Science. मेरे दादाजी सुब्रमण्यम स्वामी, रिटायर्ड रेलवे गार्ड हैं। एक बात याद रखो, कल से ये दादी नानी वाले कपड़े पहनकर कॉलेज बिल्कुल मत आना। टाइट फिटिंग जीन्स, मिडीज, मिनीज और कुछ भी, लेकिन मॉडर्न ड्रेस होनी चाहिए।
कल से कॉलेज में दही चावल वाला टिफिन लेके मत आना। टिफिन नो, हमारे साथ कैंटीन में बैठ के चिकन मटन अंडा मछली जम के खाना, समझी क्या? सही बोला ना? सिगरेट, पान, बीड़ी और साथ ही साथ रम, विस्की और वोदका, अपनी मर्जी से लेना, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना? सुनो, कल से सुबह सुबह ये हरे पीले कपड़े पहनकर कॉलेज में मत आना। वर्ल्ड फेमस इंग्लिश गाने ही गाना, रिकी मार्टिन, सेलेना जैसे, और तुम्हें डांस भी करना पड़ेगा जेनिफर लोपेज और ब्रिटनी स्पीयर्स जैसे। शक्ति, आज के लिए डोज काफी हो गया, जाने दे इसे। अरे वो डर रही है, जाने दे उसको, चलो जाओ। पता नहीं वो मेरी जिंदगी में क्यों आई, मैंने उसको क्यों पसंद किया, क्या वो बहुत खूबसूरत थी? नहीं, पर यही तो असली खूबसूरती है। क्या वो आकर्षक थी? बिल्कुल नहीं, पर यही तो असली आकर्षण है। ना तो उसमें कोई स्टाइल था और ना ही कोई ग्लैमर, लेकिन फिर भी वो मुझे क्यों पसंद थी, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारी फ्रेंड वो अनीता तो कॉलेज चली गई। मुझे बुखार है माँ। अरे ये लड़की अब देखो बहाने करती रहती है, जल्दी से उठ जा। बुखार छुट्टी, बुखार छुट्टी, बुखार छुट्टी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे क्या हो गया बेटी को? ए, ये बहाने अपने बाप को बता। कॉलेज जाऊंगी तो चिकन खाना पड़ेगा, खा लू क्या? हाँ? और मुझे छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, यहाँ तक पहन लू क्या? और मुझे डांस भी करना पड़ेगा ऐसे कमर हिलाते हुए, डांस कर लूं क्या? बोलो माँ। माँ मुझे कॉलेज नहीं जाना है, प्लीज माँ। पर ये सब रूल्स उन्होंने कब लागू किए? एडमिशन के टाइम तो कोई रूल नहीं था। पर माँ मुझे कॉलेज के रूल्स मानने ही पड़ेंगे। हाँ? नहीं तो वो लड़का छोड़ेगा। अरे कौन सा लड़का? उसका नाम है शक्ति। कौन है वो शक्ति? हिम्मत है तो सामने आ। कौन है रे? किसने छेड़ा मेरी बेटी को? दम है तो मेरे सामने आके खड़ा हो जा। ये पुराना स्कूटर अपने कॉलेज में क्या कर रहा है? किसी प्रोफेसर का तो नहीं है? मजाक उड़ाती हो मेरा? हाँ, मुझे कम मत समझो, मैं तुम सबकी माँ हूँ। एक एक को नानी याद दिला दूंगी कौन है वो शक्ति जिसने मेरी बेटी को छेड़ा। शक्ति बहुत शरीफ है वो, आके बाहर आ जाएंगी, जुबान कट जाएगी। उसके जैसा शरीफ पूरे कॉलेज में नहीं है। अरे उधर है। हो रहा। मेरे पिताजी कहते हैं कि हमेशा अपने से जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे झुक झुक जी हो मेरे बेटे। देखो ये मुझे आँख मार रहा है, आपने देखा ही नहीं। अरे चुप रहना तू, कितना संस्कारी है। इसके कपड़े देखो, इसकी शराफत देखो, माथे पे तिलक देखो। अगर ये मुझे जवानी में मिला होता तो मैं इससे ही शादी। अरे माँ ये कर रहा है। अरे तू चुप रहना। बेटा हमारी जाति से हो क्या? श्रीवत्सल। अरे ये तो हमारी जाति है। और बेटा गोत्र क्या है? वधुमा। अरे क्या बात है जी। और कौन से वेद का पालन करते हो?
सामने। अरे हम भी उसी का पालन करते हैं, काफी बातें मिलती हैं। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें एक भजन गा के सुनाओगे? भजन सुनाऊं? हाँ। भजन सुनना है? हाँ। कृष्णा तेरे बिना राधा तेरी, कृष्णा तेरे बिना राधा। आपका पैर लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया, तेरा शान है हमेशा। वाह बेटा, मन में शांति पड़ गई। हटो चारू, इन लड़कों की बातों में मत आना, सबके सब बदमाश है। कॉलेज में पढ़ने आते हैं या बदमाशी करने आते हैं, पेट भर के खाते होंगे और यहाँ आके मटर गश्ती करके वापस अपने घर चले जाते होंगे। सही कहा। ये देखो कितना सुशील है। अम्मा ऐसा नहीं है। तू चुप रह, तू अब इसी के साथ रहना, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, चल हट, मैं जा रही हूँ। आंटी मुझे बुलाया बेटा। आप ऑटो से जाओगी? हाँ बेटा। मेरी बातों का बुरा मत मानना, ये जो चारू है ना चारू, इसकी आप माँ नहीं लगती, बड़ी बहन लगती है। ये क्या आप रे, मुझे बहुत जवान लगती है। मुझे जवान। अगर आप ऑटो से जाओगी तो ड्राइवर की नजर रोड पर नहीं होगी। तो फिर कहाँ होगी? वो तो पीछे मुड़कर आपको दिखता रहेगा, या फिर साइड मिरर एडजस्ट करके आपको देखता रहेगा, तो हो सकता है वो आपको किडनैप कर ले। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है ना। अब तो सुनो, तो फिर मैं घर कैसे जाऊं? मैं हूं ना, मैं एक मिनट में आता हूं। हां आंटी, शर्माओ मत, मुझे कस के पकड़ लो, कोई टेंशन नहीं है। रुको रुको रुको, यही है मेरा घर। हाँ हाँ, मुझे यही उतरना है। अच्छा आंटी, आप यहाँ रहती हैं? अच्छा सुनिए, अगर आपको इस एरिया में कोई भी परेशान करेगा ना, तो आप मुझे बताइएगा, मेरी बहुत पहचान है यहाँ पर, ठीक है ना? अरे वो सब छोड़ो, तुम अंदर आओ, कॉफी पीकर जाना, बाइक वहीं खड़ी कर दो, कोई नहीं ले जाएगा। जब मैं घर के अंदर गया तो पूरी दुनिया को भूल गया। वो घर नहीं बल्कि मंदिर था। ऐसा लगा कि जैसे मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं। एक पल में ऐसा लगा कि मेरी सारी बुरी आदतें छूट गई हैं। इस घर की खूबसूरती, उसका माहौल, उसकी सुंदरता, ये सब देखकर मैं चारू को काफी इज्जत की नजरों से देखने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे दिल में घर कर गई। अरे सुनो ना, अरे कौन हो तुम? कोई भी मुंह उठा के इस घर में चला आता है। दादाजी वो क्या है ना, धरती पर बोझ बढ़ गया है। धरती का बोझ? कहा पार्वती, कौन है ये? कपड़ों से तो शरीफ लग रहा है लेकिन हरकतें बदमाश की तरह है। बेटा ये हमारे घर के बड़े हैं, मेरे पिताजी हैं, रेलवे से रिटायर हो चुके हैं, इनकी फिक्र मत करो, तुम बैठो मैं कॉफी लाती हूँ। ए अब पता चला, आई एम ए रिटायर रेलवे गार्ड। जे ये कृष्णा मुकुंदा मुरारी। लो बेटा कॉफी पियो। कृष्णा मुकुंदा मुरारी। जे ये गोविंद वृंदा विहारी। कृष्णा मुकुंदा मुरारी। जे ये गोविंद पियो ना बेटा। पंता वसुदेव वेंकट।
अरे रे रे रे, इतनी कम उम्र में तुम्हारे इतने अच्छे संस्कार तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? कौन है ये महाशय? हमारी बिरादरी का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे हस्बैंड, बात करो ना इससे। क्यों बात करूं इससे? ये चारू के पापा हैं? हमारी बिरादरी का है। पर देखने से तो हमारी बिरादरी का नहीं लग रहा है। आंटी सॉरी, लेकिन क्या आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी? ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो अंकल है ना, ये आपसे बहुत बड़े लगते हैं। ये आपके पापा लगते हैं। लोग भी वही कहते हैं। एक बात बताओ, मैं ना इनसे बहुत छोटी हूँ। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अच्छा बेटा, तुम ना खाना खा के जाना, मैं ना बनाने जा रही हूँ, अभी आई बस। ठीक है, खा के जाना। जी बिल्कुल। किसी भी इंसान को ऐसी जज नहीं करना चाहिए, कुछ शरीफ भी तो होते हैं ना। कृष्णा की राधा हूँ मैं, कृष्णा की राधा हूँ मैं। जा रहे हो क्या? हुआ दीदी? अरे क्या हो गया, क्या हो गया? क्या संगीत नहीं सीखा है तुमने? क्या तुम जानते हो तुम्हारी उम्र में मैं वीणा बजा लेती थी? तुम कब सीखोगे? जब मैं 4 साल का था तब से पी रहा हूँ, पता है? ज्यादा बात की ना, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। अब तो मुझे ध्यान से सुनो, देखो मैं कैसे बजाती हूँ। क्या? लव करते हो? क्यों नहीं करना चाहिए क्या? अच्छी लड़की है, मैं भी इसे प्यार करता हूँ। तुम कहाँ से बीच में टपक गए? तू उस वायलिन से भी याद है, और तुझे इस उम्र में लड़की चाहिए, वो भी ऐसी लड़की चाहिए। चल फुट ले यहाँ से, निकल यहाँ से चल। साला हाफ टिकट चड्डी पहनने की उम्र में ये सब कर रहा है। तेरी तो अगर चिल्लाएगी तो देख लेना, तू मुझे जानती है ना, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। और वैसे भी तेरी माँ मुझसे बहुत इंप्रेस है। अब मैं अपना हाथ हटा लूंगा, लेकिन तू शोर नहीं करेगी, समझे? मैं तुझसे पूछूंगा तू मुझसे प्यार करती है, तो तेरा जवाब हाँ होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना? तू हाँ बोलेगी? ओके, मैं हाथ हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। हाँ अरे माँ, क्या है? वायलिन है। वायलिन है। वो संगीत सीखने की कोशिश तो बजाना। नहीं नहीं आता। बात करता है, ला इधर दे। अब बजेगा। अब मुझे पता चला कि मुझे क्यों नहीं आता। आंटी दूध ले लो। अरे ये तो दूध वाला बनकर आया है।
पेपर ले लो पेपर, चलो पेपर पेपर। कल ये मेरे घर पर दूध वाला बनकर आया था, आज ये पेपर वाला बनकर आया है। हाँ? अरे माँ, माँ, माँ सुनिए ना, माँ वो जो झाड़ू लगा रहा है ना वो शक्ति है, देखो। अरे कुछ भी क्या बोल रही है, चल खाना बना, बहुत देर हो गई है। हाँ? अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये सब काम मुझे करने के लिए मिल गए। मैं आपको इतना काम करते देख नहीं सकता। आप दिन भर कितनी मेहनत करती हैं अपने परिवार के लिए। उठा पाओगे ना? वैसे आप इतना वजन क्यों उठाती है, मुझे दे दीजिए ना, मैं कर लूंगा। उठा पाओगे? अरे कोई बात नहीं, रख दीजिए। अच्छा ठीक है। पागल हो गया, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा लड़का है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सीन थीटा माइनस। माँ कॉफी दो। गरम क्यों हो रहा बेटा? हाँ बहुत ज्यादा तो दिखाई दे रहा है। बेटा कॉलेज से पढ़ाई करके आया है, उसको कॉफी लाके दो। हाँ सही है। कोई मेरी बात नहीं समझता। कॉफी जल्दी लाओ। अरे ला तो रही हूँ। हाँ तो दो ना जल्दी। शक्ति ये लो अपनी कॉफी। बैठ जाओ। अच्छा सुनो, आजकल राशन की दुकान से राशन नहीं आ रहा है। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या है कि राशन की दुकान से राशन मंगाने के लिए हमें कोई दूसरा आदमी रखना पड़ेगा। तुम जरा भी टेंशन मत लो, उसके लिए मेरे पास है कोई आदमी। अरे संभाल के संभाल के संभाल के। अरे कोई याद कर रहा है तुम्हें? ये सब सुनने के बाद तो अंदर से झटके मारेंगे ना भाई। कॉफी पी लो बेटा, इधर आओ। अरे मेरे पास आके बैठो। आ जा। खूब तरक्की करोगे। सर पे बोझा रख के, हाथ में बास्केट लेके। लो हो गया। आपने देख लिया क्या? हाँ बिल्कुल देखा बेटा, सब्जी उठा रहा था। है देखने में तो ठीक ठाक थी, लेकिन थोड़ी उम्र ज्यादा थी। तुझे नहीं लगता तेरी माँ की उम्र की है? तो जाने दे, तुझे प्यार हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसकी माँ है। ओ हो, पहले तू उसकी माँ को पटाएगा। बड़ी अच्छी टेक्निक है। अरे सुनो, मार्केट में कोई तुम्हारा बैग उठाए तो उठाने मत देना, समझ गई? हाँ। ये ट्रिक हम पे ना आजमाए, तेरी एक बहन भी तो है। आप रहने दो, चलो हम लोग एक डील करते हैं। ये क्या है? आपको नहीं पता ये क्या है? मैं भूल गया। 20 सिगरेट्स का फुल पैकेट, 2 महीने का पूरा कोटा। बस मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? देखिए मैं अपने प्यार के लिए मेहनत तो करता ही रहूंगा। तू क्या करने वाला है? अरे बाबा जब करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। चारू हाँ? किचन में आके मेरी मदद कर दो। ओ माँ कल मेरा एग्जाम है, पढ़ने भी नहीं दे रही हो। ए, सुनो, अरे ए, सुनो ना, ए, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनती ही नहीं है, बहरी कहीं की। ए प्लस
प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस। चारू अपने कपड़े भी इस्त्री के लिए दे दे। अरे सुनो चारू, एक्सक्यूज मी। इसका भी कल एग्जाम है, लेकिन इसे तो कपड़े प्रेस करने हैं। और तो और मेरे घर में प्रेस वाला बनकर घुस गया है। चारू शक्ति को कॉफी दे दे। हाँ देती हूँ। प्रेस कर रहा हूँ वो कपड़े कपड़े। मेरा भी कपड़ा प्रेस कर दोगे? कौन से वाले? दिस इज माई ड्रेस। अच्छा ये? यस यस। ये कपड़ा? यस। प्रेस करूँ क्या? इसको पहन के मैं कुश्ती लड़ता था। अच्छा ठीक है, कर दूंगा, थोड़ी देर के बाद आना। तुम पर भरोसा नहीं है, मेरे सामने करो। जब तक प्रेस करोगे पेपर पढ़ता हूं। ए, प्यार के चक्कर में हो क्या? इस उम्र में ऐसा होता है स्मार्ट बॉय। और कल से मैं तुमसे टॉयलेट भी साफ करवाऊंगा। मेरे साथ है या मेरे खिलाफ है? ये लो मेरा चश्मा, इसे भी ठीक कर दो। उसके बाद भी चैन से बैठने नहीं दूंगा। मेरे जूतों में पॉलिश भी करना पड़ेगा तुम्हें। सिर्फ आंटी की मदद करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी तरह मैं भी पीछे पड़ा था। पल्लवी नाम था लड़की का, पल्लू पल्लू कहके उसे बुलाता था। बहुत मेहनत की मैंने, तब उसे पाया। तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। नहीं मानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरी पोती स्ट्रॉन्ग है, इतने आसानी से तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर आपके घर एक खूबसूरत लड़की हो तो आपको नौकर की जरूरत नहीं। ए, काम कर। ए, मैंने डोसा बनाया है, जाके शक्ति को भी दे दे। शक्ति तेरे कपड़े प्रेस हो जाए ना तो चक्की पर आटा पिसवाने जाना है, जल्दी हाथ चला। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? करोड़पति का बेटा हूँ मैं। हाँ पता है, फिर भी यहाँ रहकर तुम्हारे घर वालों का काम कर रहा हूँ। पता है, तुम्हारी माँ के साथ सब्जी मंडी जाता हूँ, तुम्हारे बाप की सुनता हूँ, इस बुड्ढे की बात क्यों मानता हूँ? हाँ मुझे नहीं पता। सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम हो कि बहुत नखरा कर रही हो। हाँ अगर इस तरह से तुम्हारा नाटक चलता रहा ना, हाँ तो बहुत जल्द रेप और मर्डर की ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर आ जाएगी, समझी? चल निकल, निकल यहाँ से, चल भाग। अगर ये बुढ़ा जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता? बढ़िया है। शक्ति, शक्ति, शक्ति! अमित फिर से पकड़ा गया। अरे यार ये अमित सुधरने वाला नहीं है। ये साला कभी नहीं सुधरेगा। सुधरेगा। ए शक्ति, मैं यहाँ हूँ यार। रे नी फ्रेंड रा, ये हम ग्लैमर का उन्नड़। कितना लग रहा है ना बस। अरे मैंने कपड़े नहीं पहने यार। वो 25,000 मांगा। मुझसे तो 1,000 रुपए बोला था। वाड़ देने के 2 रुपए माटा डेड़ा अड़गु। आधो दिले इसी। वाड़े में जैसे अड़गु। अब क्या कर दिया तूने? पहले उसके साथ में किया, फिर उन समझ जाना है। मुझे अकेले छोड़ के मत जाना यार। यहाँ से भाग चलते हैं। कपड़े नहीं पहने यार। अरे तो नंगे बदन भाग चल। पर कैसे भागेंगे? एक मिनट रुक जा। డబ్బులున్నాయా? డబ్బులు డబ్బులు, వెళ్ళి తీసుకురా, లేకే జా ఇస్కో।
चलना निकल चलना चल क्यों रे, पैसे दे देता ना उस आर्यन को। मैंने पहले ही कहा था ना, बिना पैसे लिए हुए जाने नहीं देगा। चुपचाप पैसे दे दो और यहां से निकल चल यार। अच्छा बच्चे, अरे फ्रेंड जरूरी होता है यार। भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमको पकड़ भी लोगे तो हम 25,000 तो नहीं लौटा पाएंगे। ए, तुम लोग पीछे मुड़ जाओ, चलो जल्दी। ओके, ओके, ओके। मैं अपनी पापा की जेब से बस 100 या 500 चुराता हूँ और उसमें तो हम लोगों का खर्चा पानी चल जाता है। तो अरे नहीं देख रहे, देख रहे यार। अरे थुप। तो मैं ये कह रहा था कि वो तो हमारा पॉकेट मनी चल जाता है, मेरे पापा को बिना पता चले मैं ज्यादा से ज्यादा 1,000-2,000 चुरा सकता हूँ, या फिर मैक्सिमम 3,000 रुपए। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। वैसे भाई अगर मैं आपको चेक दे दूंगा तो बैंक के थ्रू तो पकड़ा ही जाऊंगा ना, तो फिर आपके पैसे गए समझो। वैसे मैं स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर पियून तक सबकी जाली सिग्नेचर कर सकता हूँ, लेकिन इतनी लाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपने पापा की सिग्नेचर नहीं कर पाया। मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, जैसे आप अपने एरिया के दादा हो वैसे मैं अपने कॉलेज का दादा हूँ। हाँ, और अगर मैं ऐसे ही डरता रहा तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और वो दोस्तों के सामने अच्छा नहीं लगेगा। फिर कॉलेज की कोई लड़की मुझे भाव भी नहीं देगी ना। प्लीज मुझे अभी जाने दो, मुझे जाने दो ना भाई। चल निकल।
अरे भाई चाकू अगर मारोगे तो तकलीफ होगी ना, इसलिए इसे हटा दो। वो मैंने जवानी के जोश में आपको बहुत बोल दिया, इतना मारा, लेकिन अब जाने दो ना, ये चाकू है ना इससे बहुत तकलीफ होती है, अगर लग जाए तो खून निकल आता है, तुमको तो पता है ना हमेशा इस्तेमाल जो करते हो, और वैसे भी तुमको कुछ हो गया तो मुझे बहुत दर्द होगा ना भाई, इसलिए मुझे जाने दो ना प्लीज भाई। अरे बाप रे, देखा मैंने बोला था ना खून निकल आता है, ये देखो क्या हो गया, तो तुम्हारा कितना खून बह गया, इसलिए मैंने बोला था मुझे जाने दो, अगर जाता तो इतना नहीं होता ना, तुम भी ना भाई सुनते नहीं हो, तुम्हारी गलती है ना ये सब। तू और इन लोगों को क्यों मार रहा है? अरे अरे भाग कर रहा है, तो डरपोक है, भागा जा रहा है। अरे देख क्या रहे हो, चलो भागो यहाँ से। कहाँ छोड़ के भाग रहा है? कहाँ जा रहा है? रुक, भाग भाग, रुक ना, चल चल चल, रुक, कहाँ भाग रहा? ये हमें भी पिटवाएगा। डर गए। अरे बहुत मारने वाले लोग। अरे क्या हो? ये ले, ये ले, ले, ले। अरे तू बात में मिल। आजा, आजा, आजा। डर के भाग गया? ले, 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 ले। अबे निकल। अरे बाप रे। बड़ी जोर की लगी यार। हल्का होने बच गए। मरते मरते बचे। अरे सब यार निकली जा रही है यार। अरे कौन है जो बाथरूम में भी फोन कर रहा है? हाँ हेलो शक्ति। हाँ आंटी जी। ठीक हो ना बेटा? कल कौन सी बियर पिलाई थी बे? चुप करना। मेरी पेशाब का रंग ही बदल गया। बताओ तो। अरे ये बियर की बात कौन कर रहा है? अरे नहीं कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? हाँ मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, पर बेटा कहाँ हो? ए इतने दिनों से राशन भी नहीं लेके आए। सुनिए तो, घर के कितने सारे काम पड़े हैं, कपड़े भी प्रेस करने हैं। हाँ। जल्दी से आ जाओ ना, काम पूरे हो जाएंगे। आंटी जी वो जो मैंने फेस क्रीम लाके दी थी, फिर भी आप हल्दी लगाते रहिए क्योंकि आंखों के नीचे डार्क सर्कल बढ़ गए आपके। अच्छा शक्ति मुझे ना तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ बताइए। बहुत दिनों से एक काम अटका पड़ा है। कौन सा काम? तिरुपति जाना है ना। चारू की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब ना मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम हो ना, तुम आ जाना। हाँ। हमें ना वैसे भी देर हो गई है, वहाँ पहुँचने के लिए 4:30 की बस लेनी जरूरी है, तो हम निकलेंगे। जी ठीक है आंटी जी। वो ना बहुत सीधी सादी है, उसे ना अपनी तरह थोड़ा मॉडर्न बना दो। अच्छा बेटा। हाँ मैं कोशिश करूंगा। अरे बाप। क्या हुआ? तू कुछ मत बता, हमें सब समझ में आ गया। दो दिन जम के पार्टी करेंगे। अब यार मैं लेके आऊंगा। हाँ चिकन मैं ले आऊंगा। म्यूजिक का इंतजाम मैं करूंगा, ये मौका मेरे हाथ से जाने मत देना यार। ए, शक्ति तू क्या लेके आएगा बे? 2 days 48 घंटे मेरा कुछ और प्लान है। किडनैप? इतने सुबह सुबह क्यों कॉल किया, कोई काम था क्या? चारू अगर पिकनिक पे आएगी तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगी। 2 दिन की बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। हमारे ट्रिप के लिए हमने बहुत ही फास्ट और अर्जेंट स्टेप लिया था, हमें क्या पता था कि आगे ऐसा होगा। बिना माँ बाप के सहारे हम 2 दिन तक अकेले थे, कभी सोचा ही नहीं था कि इसका अंजाम इतना बुरा हो सकता है। जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया। मुझे घर जाना है।
चलो चलो, ए रुको मैं आता हूँ, मेरा हाथ पकड़ के चलो। डैडी को नहीं बताया, मेरी मम्मी को भी नहीं बताया, दादाजी को भी नहीं बताया, और मेरी दादी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, और तुम मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए। मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी शिकायत दादाजी को करूंगी, फिर देखो क्या होता है। हाँ ये ले, बोतल मुझे देना। हाँ ले, कितना अच्छा है। अरे एक और देना, मजा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ले, लेना। कितनी अच्छी, नहीं पीने क्या? ओ और चल चाहिए क्या? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तू, अरे ये भी कोई पीने वाली चीज है? हाँ छह, अबे होता ना इसे। तुम मुझे यहाँ अकेले क्यों लेकर आए हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जरूर कोई गड़बड़ करने वाले हो, मैं सब जानती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ करने वाला हूँ, तुम्हें पता नहीं है ना? तो ठीक है, चुप रहो। हे भगवान, कोई बचाओ। चुप 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 चुप। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, दूसरी लड़कियों में और तुम्हें यही फर्क है। चलो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अरे ठीक है ना, चिंता मत करो। सॉरी सॉरी, ए सॉरी बोला ना। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना ही होगा। ओके, अगर प्यार करती हो? नहीं ना। तुम मान चुकी हो? नहीं, मैं प्यार नहीं करती। मैंने बोला ना तुम प्यार करती हो, अब कोई बहस ना। मुझे जाने दो। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। देखो अभी हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि पापा तुम्हें बहुत डांटते हैं, इसलिए हम लोग दूर हैं। और मम्मी तुम्हें खाना बनाने बोलती है, तो उससे भी हम लोग दूर हैं। अगर हमने हमारी क्लास मिस कर दी तो एग्जाम से एक वीक पहले भी अगर पढ़े तो भी पास हो जाओगी। लेकिन ये उम्र निकल गई तो वापस नहीं आती। देखो भगवान ने हमारे लिए कितनी चीजें बनाई हैं। आंखें बंद करो, मैं समझाता हूँ। मैं क्यों बंद करूँ? अरे बाबा मैं कुछ नहीं करूँगा, अपनी आंखें बंद तो करो ना। तुम्हारा घर, पुराने ख्यालत वाले माँ बाप, उनका इतना अच्छा दिल, दिन भर अखबार पढ़ने वाले दादाजी, तुम्हारी बूढ़ी दादी, एक पल के लिए इनको भूल जाओ। फूलों की महक तुम्हारे भीतर से जा रही है, पंछियों के उड़ने की और झरने से पानी बहने की आवाज तुम्हारे कानों से होकर गुजर रही है, इसे महसूस करो। अब धीरे धीरे तुम एक नई दुनिया में जा रही हो। बुद्धू, गधे, कॉलेज के पहले दिन जब तुम्हें मिली थी तब से प्यार करती हूँ। अरे!
कुछ नहीं चारू तुझे हुआ क्या? कुछ नहीं सबको डरा दिया। क्या हुआ? चल सो जा चुपचाप पागल कहीं। कुछ नहीं हुआ। अरे रो क्यों रही है? कितना बुद्धू है, दिल की बात बताती हूँ तो इसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। बस दिन भर बड़बड़ करता रहता है, जब मैं कहती हूँ तो सुनता ही नहीं है। एक नंबर का पागल है, गधा उल्लू। जल्दी चलो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मुझे घर जल्दी पहुंचना है। कितना समय लगा दिया। अब सामान ले लेना। हाँ चलो चलो चलो। हाँ निकलो यार। श्रुति को जल्दी आने बोलो। श्रुति जल्दी आ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। अरे मेरे घर वाले तिरुपति से लौटे, उसके पहले मुझे घर पहुँचना होगा। जल्दी नहीं पहुँची तो प्रॉब्लम हो जाएगा। श्रुति जल्दी करो यार। कितना टाइम लगेगा? अरे आ जाओ यार जल्दी। मेरी डायमंड रिंग नहीं मिल रही है, पूरे 50,000 की थी। डैड को पता चला तो मार डालेंगे। शक्ति इसकी डायमंड रिंग कहीं खो गई है। श्रुति कहाँ गिरा? हम जंगल में खाना खा रहे थे, वही खोई होगी। ठीक है मेरे साथ आओ, चलो ये पकड़ इसे। मैं शक्ति के साथ जाती हूँ, मिल जाएगी ना। अरे देख लो ना, यही कहीं गिरी होगी। चलो यही कहीं तुम आ जाओ। यही तो बैठे थे कल हम। बारिश भी अभी यहाँ नहीं है। शक्ति शक्ति बचाओ मुझे। शक्ति शक्ति शक्ति, मैं दलदल में फंस रही हूँ। शक्ति 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 बचाओ मुझे। ऊपर आने की कोशिश कर, आ जाओ बचाओ मुझे। भूलने वाली गलती कर बैठा। थोड़े ही समय में बहुत कुछ हो गया, जिसका डर था और जो नहीं होना था वो हम दोनों के बीच हो गया। मैं चारू से प्यार करता था, लेकिन श्रुति के साथ छी। मैं एक दरिंदा हूं सर, दरिंदा हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसी हालत में लड़कों से भी ज्यादा असावधान रहती है सर। श्रुति को ऐसे रोकना चाहिए था। स्टूडेंट हो? जी डॉक्टर। कॉलेज में अफेयर है और ये बात माँ बाप से छुपानी है, यही है ना? तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व होगा क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, सही है ना? शादी वाला एक्सपीरियंस अभी हो गया। तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है, माँ बाप की बात नहीं सुननी, अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है, यही ना? इट्स ओके, तुम्हारे जैसे केस आते रहते हैं। मैंने इसमें दवाइयाँ लिख दी हैं, तुम टेंशन मत लेना, इसे दिन में 3 बार लेना, सब ठीक हो जाएगा। जाओ फिर वही गलती करना। चलो जाओ।
हम लोग बैठे हैं ना तुम लोगों की गलती सुधारने के लिए। श्रुति भी उसी राह पे चलने लगी, उसके डैड को कॉल करता हूँ। मिस्टर राजेंद्र, रामो जी साहब, वासु, विष्णु, तुम तीनों जाओ कल आना। कुमार, गाड़ी लॉक करके चाबी अंदर रख दो। ये श्रुति, उस रात तुमने मुझसे कहा था ना, तब से मैंने सिगरेट शराब छोड़ दी, तब से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उस दिन मैंने तुम्हें सलाह दी थी, तुमने क्या किया उसका? कुछ नहीं। सलाह उस दिन खत्म हो गई, लेकिन एक्सपीरियंस जिंदगी भर रहता है। यही सच्चाई है, हमेशा हमेशा दोस्तों के साथ रहती है, उनके सिवा कुछ नहीं। तुम्हारे दोस्तों ने किया ना ये? हाँ, ये दोस्ती ना हवस तक पहुंचती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए इन्हीं सब चीजों के चलते मैं तुम्हें लड़कों से दूर रहने के बारे में हमेशा कहा करता था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी। मैं मानता हूं ये उम्र एंजॉय करने की होती है, ये बात मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट इट। झूठ बोलकर दो दिन तुम लड़कों के साथ बाहर रही, तुम्हें गलत नहीं लगा? लेकिन मैं कहता हूं ये गलत है। क्यों होता है सर? मैं चारू को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सब जानने के बाद वो सह पाएगी? चंद्रू, क्या है चारू? तुमने शक्ति को देखा? अंदर ही होगा, जाकर देख लो। ए चारू, क्लास में चलना, चल दे। अरे क्या यार, कुछ भी बकवास करता है। हाँ, मैंने पिलाई थी ना बियर, हर बार मैं पिलाऊंगा क्या? अरे अरे, तो ऐसे कुछ खर्चा करूँ ना यार, ऐसे नहीं होता है। वो देख, अच्छा, अरे समझाना यार इसको, जिसकी कोई बात समझ में तो आती नहीं है। क्या है? क्या? अरे डैड, ए तुम चुप रहो वरना। ये है तुम्हारा कल्चर? ये है तुम्हारा कल्चर? तुम्हारी जो मर्जी है करोगे, जिसके साथ जो चाहे गलत करो, जिससे चाहे शादी करो, जिसको चाहे छोड़ दो, यही है तुम्हारा कल्चर? हाँ, और तुम लोग पेरेंट्स का क्या? वो तुमसे क्या चाहते? वो तुम्हें कॉलेज भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, और तुम लोग क्या करते हो? लड़कियों के साथ तुम लोग रंगलियां मनाते हो। तुम्हारा बाप एक करोड़पति होगा, पर क्या तुम खुद अपने लिए एक वक्त की रोटी कमा सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, सिगरेट और ड्रग्स, ये सब चाहिए। सारे नशे करने हैं तुम्हें, ये कैसे संभव है? बताओ मुझे, बताओ, बताओ ना, अपने मां बाप के पैसों से? मैं सही कह रहा हूं ना? इसके अलावा तुम्हें लड़कियों के साथ घूमने जाना है, उनके साथ मजे करने, व्हाई? व्हाई ऑल दिस थिंग्स? सर, क्या हुआ? पापा, श्रुति, तुम अपना मुंह मत खोलो। अब तुम क्या बोलने वाले हो
तुम इससे क्या बोलने वाले हो? I'm sorry. मुझसे गलती हो गई, इसकी शादी कहीं और करवा दीजिए, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता, या फिर तुम कहोगे मेरा काम तो हो गया, अब ये जिए या मरे मुझे इससे क्या लेना देना? एक एक इज्जतदार खानदान की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ प्लीज। श्रुति अपने पापा के साथ जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। श्रुति अपने पापा के साथ जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इस सब के लिए मैं ही। मेरा नाम शक्ति है। माय नेम इज चारू, चारूमती विश्वनाथन, फर्स्ट ईयर बी कंप्यूटर साइंस। पता है मैं कौन हूँ? करोड़पति बाप का बेटा हूँ। देखो कह रहा हूँ आसानी से मान जाओ। माँ मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती, प्लीज समझो ना माँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी करना पड़ेगा, ओके? ये प्यार के मामले में सोचना समझना नहीं, नहीं होता, तुम्हें मानना नहीं, पड़ेगा। नहीं करती ना। देखो अब आगे कोई बहस नहीं, तुम मान चुकी हो। बुद्धू गधे, मैं तो कॉलेज के पहले दिन से ही तुमसे प्यार करने लगी थी। फोन बजे जा रहा है, कोई उठा तक नहीं सकता। हेलो, मैं चारू बोल रही हूँ, मुझे शक्ति से बात करनी। शक्ति, किसी चारू का फोन है तुम्हारे लिए। कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। वो घर पे नहीं है। हेलो, मैं चारू बोल रही हूँ, उसी लड़की का फोन है बेटा। कह दो ना कि मैं सो गया। हेलो, मैं चारू बोल रही हूँ। फिर उसी का कॉल है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मैं उससे बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है। सुनो, फोन मुझे दो। रुको बेटी, ले बात कर, लो बात करो ना उससे। हाँ शक्ति, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मुझसे मिलो ना प्लीज। लोग यहाँ पर सिर्फ छुट्टियों के दिन आते हैं, बाकी दिन यहाँ पर कोई नहीं आता। तुम मुझे इस जगह क्यों लेकर आई हो?
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ चारू, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हो गया बता? तुम मुझे इस जगह क्यों लेकर आई हो? बोलो ना, क्या हो गया है? अरे सुनाई नहीं देता क्या? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए यहाँ चलने के लिए कहा। तुम्हारे और श्रुति के बीच कुछ हुआ है क्या? मैं चारों से कुछ छुपा नहीं पाया, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि वो मुझे माफ कर देगी, इसलिए मैंने उसे सारी बातें बता दी। लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया चारू। Oh, my God.
दो दिन से मेरी बेटी घर नहीं लौटी है, कहाँ है वो? मैं भी नहीं समझ पाया, मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। चारू चारू तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मुझे माफ नहीं करोगी चारू, बोलो ना मुझे माफ कर दिया। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी क्या? चारू जब गलती मैंने की है तो तुमने अपनी जान क्यों दी? मुझ पर ऐसे थूकना चाहिए था ना, गाली देती कि मैं हैवान हूं और फिर किसी के साथ शादी करके घर बसा लेती, ये अपनी जान तो नहीं देनी चाहिए थी। क्यों किया तुमने ऐसा चारू? नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूं या फिर
अपने घर लेके जाऊं। तुम्हारी माँ, उससे मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा चारू? ठीक है, अब हम यहीं पर रहेंगे। सर हमको नहीं पता वो कहाँ है सर, हमको नहीं पता। नहीं सर। अरे सर नहीं पता हमको। सच में नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया सर। हमको नहीं पता सर, हमको नहीं पता। पाँव पड़ते छोड़ दीजिए सर, हमको हमको नहीं पता। दोस्त हमारा साहब सर सब
मेरे बच्चे तुमने उसके डेड बॉडी को पूरे 3 दिन तक अपने पास रखा, उसके माँ बाप को भी नहीं दिया। तुम जानते हो ये कितना बड़ा अपराध है? डेड बॉडी नहीं थी मेरी चारों, डेड बॉडी नहीं थी। उसका मैं शरीर दे देता तो वो लोग क्या करते? अपने शास्त्र के अनुसार वो उसे जलाकर राख कर देते। मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, तो क्या हमें साथ नहीं रहना चाहिए सर? इसलिए मैं उसके साथ रहा। अगर वहां कोई और नहीं आता तो फिर मैं उसके साथ ही रहता। जब तक उसे मुक्ति ना मिल जाए तब तक मुझे उसके साथ रहना है। क्या आप अपने बेटे के साथ सिगरेट भी पीते हैं? हाँ मैं पीता हूँ। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं? मैं करता हूँ, आप नहीं करते? आजकल की पीढ़ी बिगड़ रही है तो उसकी वजह आप लोग हैं, हम लोग नहीं। ये सब आप जैसे वकीलों की वजह से होता है। क्यों सर, आपको प्रेमानंद याद है, सेक्स स्कैंडल वाला? उस प्रेमानंद के लिए केस लड़ा था ना वो सेक्स स्कैंडल वाला डॉक्टर, क्या नाम था? प्रकाश। हाँ प्रकाश। उसका केस नहीं लड़ा था, उसको निर्दोष साबित करवा दिया था आपने। क्या हम लोग कॉलेज में ड्रग्स बेचते हैं? क्या पेरेंट्स लोग कॉलेज में होने वाले सभी अय्याशियों के लिए जिम्मेदार हैं? क्या हम लोग चलाते हैं? आजकल टीवी में जितने सीरियल चलते सब ऊट पटांग चलते हैं, एडल्ट फिल्में भी दिखाते हैं, तो क्या सब हम लोग करवाते हैं? पेरेंट्स की बात करते हैं हम सब, अपने बच्चों से खुलकर बात करते हैं। मैं बाप की तरह नहीं अपने बेटे को दोस्त की तरह से ट्रीट करता हूँ। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है, मैं उसका परफेक्ट फादर हूँ। आपके बेटे की उम्र क्या है? 19 साल। क्या आपने कभी अपनी बेटी की हरकतों पर ध्यान दिया? यस, यस। आजकल के बच्चे खुद को माँ बाप से ज्यादा समझदार समझते हैं। उनको लगता है कि हमारी हाइट बढ़ गई तो तजुर्बे में भी ज्यादा है। अगर माँ बाप से ज्यादा पढ़ाई कर ली तो माँ बाप को नीचा दिखाएंगे। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। उन्हें लगता है कि वो बहुत समझदार हो गए, लेकिन वो ना समझ होते हैं। लेकिन उनकी सोच के बारे में क्या कहूं, हाई लेवल सोचते हैं। आप सोच नहीं सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, यस। उन्हें लगता है कि माँ बाप से कहीं ज्यादा उनको अनुभव है। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और हमारा अनुभव, हमारे समाज का कल्चर, सेंटीमेंट्स, मोरालिटी, वैल्यूज, इनके बारे में कुछ नहीं पता। नथिंग, दे आर जीरो इन दैट, दे आर अ बिग जीरो इन दैट। वो समाज के बारे में 1% नहीं जानते। अपने पेरेंट्स को उनको उनकी पसंद का खाना देने के बजाय उनके हाथ में छड़ी पकड़ाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। आई थिंक इट्स अ जनरेशन गैप। योर ऑनर, समाज के अनुसार मैं एक अच्छा पिता साबित नहीं हुआ, परवरिश अच्छी नहीं की। शक्ति को जानते हैं आप? यस, ये बुरा लड़का नहीं है, बट हालात के आगे शायद झुक गया, दैट्स ऑल। तुम शक्ति को अच्छे से जानती हो, एक ही उम्र की हो ना, अगर किसी को छूट दी जाए तो गलती तो होगी ना। जब तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती हो तो इसकी खबर पापा को होती है क्या? ग्रुप स्टडी और बर्थडे का बहाना भी करते हो तुम लोग। लड़के लड़कियां साथ में ही घूमते हो ना, कभी पार्टी का बहाना बनाकर रात को रुकते भी हो। कंबाइंड स्टडी, एग्जाम प्रिपरेशन, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, ऐसे ही बहाने बनाते हो ना माँ बाप से, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मेरे किसी भी सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। यही कल्चर है।
जज के सामने खड़े होते तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मुझे कुछ और नहीं पूछना। स्टूडेंट्स को हमारे कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग अपने कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दोगे, फिर आप लोगों की शादी करने में आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी पता है तुम्हें? हाँ, अब तुम जा सकती हो। आपका नाम क्या है? क्या है सर, मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ? हाँ, ये सिल्क का कुर्ता देख रहे हो, ये चेन, ये अंगूठी, मेरे घर में और भी बहुत रखी हैं। क्या करते हैं आप? मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हो मेरा खुद का एक आलीशान होटल है और रेस क्लब में जाके याशी भी करता हूँ मैं। डेली रात को एक बॉटल खत्म करता हूँ, मेरी रातें बार में ही गुजरती हैं, पता है आपको? और कभी कभार तो बैंकॉक का भी टूर लगता ही रहता है मेरा, और गोवा जाना भी पसंद है मुझे। ऐसी कोई रंगीन जगह नहीं है जहाँ पर मैं कभी गया ही ना हूँ। क्या आपने कभी अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में? क्या फ्यूचर लगा रखा है, फालतू की बातें। मैं क्यों सोचूं उसके फ्यूचर के बारे में? बहुत मेहनत से मैंने मकाम हासिल किया है। मैं खुद अनपढ़ हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करके मैंने अपना धंधा पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैलाया है। हाँ, फ्यूचर की बात करते हैं। मैं भले ही अनपढ़ इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा, लेकिन वो लड़की के चक्कर में पड़ गया। इसमें मेरी क्या गलती है? गलत काम करता है गधा कहीं का। इसे जवानी फूटने लगी और इसने कॉलेज की लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया, और इसकी हरकतों से तंग आकर एक लड़की ने इसे थप्पड़ भी मार दिया, फिर भी ये बेवकूफ नहीं सुधरा। फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की। मैंने समझाया लेकिन ये नहीं माना। क्या किया पता है? लड़की को चाकू मारने पहुंच गया ये बेवकूफ। हद तो तब हो गई जब ये चाकू लेकर उल्टा मुझे ही मारने को दौड़ पड़ा। क्या ये मेरी औलाद है? लानत ऐसी औलाद पर। और उसके बाद से मैंने ठान लिया मैं इसके बारे में सोचना ही बंद कर दूंगा। मेरा लड़का ना मुराद किसी भी काम का नहीं है। मैं सबको यही सलाह देता हूं, ये नौजवान पीढ़ी वैसी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। आप लोग पैसा कमाओ, खुद की देखभाल करो और सुखी रहो। सर, उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो हम हरदम सिर्फ यही सोचते रहते हैं। लेकिन इसकी माँ छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने इसे माँ की कमी नहीं होने दी। माय लॉर्ड, एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने यहाँ काफी लोगों से सवाल पूछे। मैं भी एक पिता हूँ, इस केस से जुड़े कुछ पहलुओं को बताने की इजाजत है। मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहता था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। फर्स्ट ईयर में वो बहुत अच्छी थी, सेकेंड ईयर में मार्क्स कम आए, अटेंडेंस भी कम हो गए। उसका कारण था प्यार, प्यार हो गया था उसे, और किसी तरह उसने मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसा लिया। मैंने बेटी को समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, और उसके साथ वो हैदराबाद चली गई हमेशा के लिए, बेच दिया। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। मैं यहां ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस अदालत में रोज स्टूडेंट्स के केस आते हैं। मेरी बात सुनकर शायद कोई सुधर जाए, मैं यही आशा करता हूं। योर ऑनर, अगर इस केस की बात की जाए तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। लोग सपनों को ही हकीकत समझते हैं, इसलिए गलती होना लाजमी है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इनके भविष्य को देखकर फैसला करें। शक्ति, इस केस को लेकर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो। कॉलेज में सबको किसी ना किसी चीज की आदत होती है, स्मोकिंग, बियर पीना, लड़कियों की आदत, ड्रग्स, यहाँ तक कि ब्राउन शुगर भी। अगर आप चाहें तो ये आदतें छुड़वा सकते हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? अपना भविष्य बनाने के लिए। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जानलेवा बीमारी है ये प्यार हो जाना। इस बीमारी से कोई नहीं बचता। कभी किसी को प्यार नहीं करना चाहिए।
किसी को प्यार नहीं करना चाहिए सर, किसी को नहीं। कॉलेज में जो फ्रेंडशिप होती है, कॉलेज की ये रिलेशनशिप, कॉलेज की ये सारी आदतें, और उस उम्र में ये प्यार का हो जाना, यही सब ड्रीम्स होते हैं, और ये सब आपको कभी आगे नहीं जाने देते। इनका जिंदगी में कोई मतलब नहीं। मैं सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप, भाई और बहन, इन सब के साथ रहने में उनकी हमेशा भलाई होती है। कानून ने मुझे रिहा तो कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे बंदी बना दिया। श्रुति की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। चारों के घर के इतने बुरे हालात से हुए हैं, पता नहीं इन बेड़ियों से मैं कभी आजाद हो भी पाऊंगा या नहीं। मैं पहले से काफी बदलाव आ चुका है, नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरे कॉलेज के दिन और दोस्तों की यादें हमेशा मेरे साथ हैं। वो मस्ती, वो दोस्ती, वो हंसी खुशी सब मेरे साथ है। इंडिया में आकर मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला गया। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, कोई भी अपने पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहता, और फिर थक हार कर मैं चारों की यादों में खोया हुआ वहीं पर पहुंच गया। आसपास क्यों घूमते रहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे करोगी, ओके? और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। नहीं। बोला ना, तुम करती हो। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर एक नया बैच इस कॉलेज में आ गया है, एक नया ग्रुप अपने सपने देखने लगा है, और आने वाले कई साल में ये सपने और बड़े होते चले जाएंगे, जैसे कि मेरे, श्रुति के और चारू के, और साथ ही साथ हम सारे दोस्तों के सपने बड़े हुए थे। पता नहीं आगे और किस किस के हालात ऐसे बनेंगे।